शकील समदानी साहब, अब बेग साहब, इस दौरे पुराशोभ में ये कौम क्या करे? इनटॉलरेंस के इस माहौल में इसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अगर बढ़ जाती हैं तो क्या है? मेरी समझ से दो रिस्पॉन्सेस देखने चाहिए, एक तो इंडिविजुअल लेवल पर और एक कम्युनिटी लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर मेरी समझ से इस्लाम का सबसे बड़ा मैसेज टॉलरेंस खुद है। तो हम क्योंकि इसी समाज में रहते हैं, अगर हम सब अपने अंदर वो टॉलरेंस सचमुच में रखते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा मैसेज जो है वो सारे लोगों तक जाता है, दूसरी कम्युनिटी के लोगों तक भी जाता है कि ये वो लोग हैं जो टॉलरेंस और जस्टिस के लिए खड़े हैं, इनकी ज़िंदगी उसका रेप्लिकेशन है एग्जैक्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि एट ए कम्युनिटी लेवल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शकील साहब ने भी कही, मेरी समझ से हमें अपने सही इशूज़ को सही से आर्टिकुलेट करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल जो मीन्स अवेलेबल हैं सिस्टम के, उनसे अपने मसलों को हल करना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या है कि मुसलमानों का एजेंडा दूसरे लोग तय करते हैं। कोई ऐसा इशू, सीडो इशू आपके सामने पेश कर दिया, आप उसी में फंसे रहेंगे। कुछ दिनों तक बाबरी मस्जिद था, उससे पहले शाहबानो इशू था जस्ट लास्ट मिनट, और उसके बाद ये दादरी और मुजफ्फरनगर, कोई ना कोई इशूज इस तरह के रहेंगे और हम उसी में ट्रैप्ड रहेंगे। तो हमें अपने इशूज को आर्टिकुलेट करना है और अपने कम्युनिटी के नेशनल लेवल के एजेंडे को खुद सेट करना है कि हमारे क्या इशूज हैं। अपने एजेंडे को खुद सेट करना है,